हेलो दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं डे बुक रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। एक्चुअल में कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, डे बुक है क्या, डे बुक रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, है क्या, ये हो सकता है कुछ नया वर्ड लग रहा हो। एक्चुअल में डे बुक होता क्या है कि जैसे हम किसी शॉप के अंतर्गत काम कर रहे हों तो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं लाइक दैट, जैसे कि आप किसी कपड़े के शॉप पे काम कर रहे हो तो उसमें जो आप कपड़ों की सेलिंग कर रहे हो या फिर जो बाहर से मार्केट से जो अपने शॉप के लिए कपड़े मंगवा रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, उन सब का जो ट्रांजेक्शन्स है, जो आप सेलिंग कर रहे हो, जो बाहर से मंगवा रहे हो, इन सबका जो ट्रांजेक्शन्स है वो डे बुक रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या होता है कि आप कुछ पैसों की बचत करते हैं और कुछ पैसों का पेमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डे बुक रिपोर्ट के अंतर्गत बनाई जाती हैं। अब इसमें वाउचर्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप सेल करना हुआ, फिर शॉप के लिए बाहर से कपड़े मंगवाना हुआ, ये थोक और जो फुटकर्स होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे एक्सेल में, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल है, ये काम हम टैली में भी कर सकते हैं, तो उसमें भी वाउचर्स होते हैं, वाउचर में एंट्री हम कर सकते हैं। बट यहाँ हम एक्सेल में जानने वाले कि एक्सेल में अगर हमें डे बुक रिपोर्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे कि ये एक होता है पेमेंट। अब पेमेंट क्या होता है, लाइक दैट जैसे आप किसी चीज़ पे खर्च कर रहे हो, सपोज दैट रूम रेंट दे रहे हो या फिर किसी और चीज़ को पे कर रहे हो, किसी चीज़ को खर्चा दे रहे हो, किसी को किसी चीज़ के लिए खर्च दे रहे हो या सैलरी पे कर रहे हो, तो ये जो है पेमेंट के अंतर्गत आता है। एक होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट, अब जैसे कि मान के चलो आपने किसी को रूम रेंट दिया था, उसने आपका रेंट पे किया, तो ये रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें आपका बेनिफिट्स हो रहा है, आपको मिल रहे हैं पैसे। और पेमेंट में क्या होता है, आपका जो लॉस होता है आपके पास से जाता है। इसमें पेमेंट में आप किसी को देते हैं और रिसिप्ट में क्या होता है कि आपके पास जो है बैलेंस आते रहते हैं, आप में रिसीव करते हो इसमें। अब जैसे कि मैंने बताया रूम रेंट हुआ, सपोज़ दैट आपने बुक्स मंगवा किसी को कुछ और सामान दिया था, तो ये क्या होता है कि रिसिप्ट वाउचर्स के अंतर्गत आते हैं। एक होता है सेल। सपोज़ दैट आप की शॉप है, आप कपड़े सेल कर रहे हो, तो आप जब कस्टमर को दे रहे हो वो आप सेल कर रहे हो उसे, लेकिन जब आप कहीं मार्केट में सेल्फ परचेज करने के लिए जाते हो, सेल्फ के लिए लेने जाते हो, तो इसमें क्या होता है कि आप परचेज करते हो, आप ख़रीदते हो, आपके पास सामान आता है। और सेल तब होता है जब आप किसी को सामान देते हो यानी कि बेचते हो, जैसे आप मार्केट से थोक खरीद के लाए वो आपके लिए परचेज हो गया, लेकिन वही चीज़ मार्केट में आप थोड़ा थोड़ा करके सेल कर रहे हो, वन बाई वन करके सेल कर रहे हो, तो वो सेल के अंतर्गत आता है, यानी वन बाई वन करके मार्केट में बेच रहे हो तो ये सेल के अंतर्गत आता है। अब पेमेंट क्या होता है कि मान लो तुमने वर्कर्स रखा है अपने शॉप पे, वर्कर्स रखा, उनको सैलरी दे रहे हो, ये पेमेंट्स के दायरे में आता है। लाइक दैट आप अपने रूम, अपना रूम रेंट पे दिए हो तो उसका जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत आता है। तो ये चार वाउचर्स हैं, इन्हीं चार वाउचर्स के अंतर्गत एंट्री होती है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे एंट्री की जाती है। सपोज़ दैट हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसको करके हम यहाँ जानेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे हम डेटा की एंट्री कर दे रहे हैं एक एक में। यहाँ पे हम एंट्री करने जा रहे हैं सेल्स।
ये जो है 4-piece चेयर जो है सेल किया गया है नीलकंठ ब्रांड को। अब इसको हम किसके अंतर्गत एंट्री करेंगे, इस वाउचर की एंट्री हम किस चीज़ के अंतर्गत करेंगे? यहाँ पे सेल किया गया है यानी कि बेचा गया है मार्केट में 4-piece, तो इसको हम यहाँ पे हम जो है सेल्स के अंतर्गत एंट्री करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब भी हम एंट्री करेंगे तो क्या 1 by 1 टाइप करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी ही एंट्री करना सीख सकते हैं। कैसे? लाइक दैट, आपको जितना भी डेटा एंटर करना हो उस डाटा को, उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मुझे 5 तक करना है, मैंने उतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डाटा में जाना है, डाटा वेरिटेशन का ऑप्शंस दिया है इसमें, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ एनी वैल्यू दिया है, इसकी जगह पे हमें लिस्ट चूज कर लेना है। जैसे ही आप लिस्ट चूज करोगे आपके पास यहाँ पे सोर्स ओपन होकर के आएगा। इसमें आपके जितने भी वाउचर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था पेमेंट कॉमा लगा के स्पेस लगाएंगे, फिर रिसिप्ट लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के स्पेस लगाएंगे, मेरे पास सेल्स का है तो कॉमा लगा के स्पेस लगाएंगे, परचेज का है, और यहाँ से कर देंगे हम ओके। अब आप देख सकते हैं कि इस एरिया में ये सारी डेटा फीड होकर के आ गई हैं। अब इसमें से मुझे कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑटोमेटिकली क्लिक करके इसमें बस इंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमें ये सेल्स के अंतर्गत है। दूसरा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है कि ट्रांजैक्शन पेमेंट किस मेथड से किया जा रहा है, आपको पैसे किस मेथड से दिया जा रहा है। तो 2-3-4 मेथड होते हैं, जैसे कि हम UPI ले लेते हैं, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड का यूज होता है, उसके बाद में कैश होता है, इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ट्रांजेक्शन्स में ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी भी डेटा को हमें फीड करनी है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा में जाएंगे, डाटा वेरिटेशन में यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद में एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट चूज कर लेंगे, और सोर्स में हम पहला टाइप कर दे रहे हैं कैश, क्योंकि ज़्यादातर कैश ही किया जाता है, कॉमा स्पेस UPI कॉमा स्पेस कार्ड, उसके बाद हम कर दे रहे हैं ओके। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बन के आ चुका है। अब यहाँ पे हम कैश कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट, अमाउंट क्या होता है कि अमाउंट अब हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि आपका जो है 4-piece सेल किया गया है, तो आप उसी हिसाब से इसका रेट पता कर लीजिए। जैसे कि 1-piece का रेट कितना है, तो मान के चलिए कि हम 1 चेयर का दाम 600 रुपये ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4-piece है, तो उसके लिए हम करना क्या है, यहाँ पे 4 लिखना, मल्टीप्लाई कर देना है हमें, और 600 से यहाँ पे आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 4-piece का प्राइस। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे शो भी करा सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको होम टैब में आना है, इंसर्ट वाले ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट सीट कॉलम का ऑप्शन दिया है, हमें डबल सीट चाहिए तो हम डबल सीट ले ले रहे हैं। अभी इसमें क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे क्वांटिटी डाल सकते हो, क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी पीसेस हैं, उसके बाद में यहाँ पे आप रेट डाल सकते हो। अब यहाँ पे जैसे 4-piece है तो यहाँ पे जो है हम 4-piece डाल सकते हैं, यहाँ पे हम 4-piece डाल देंगे, उसके बाद में जो है हमारा यहाँ रेट डाल देंगे, कितना रेट बन रहा है उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पुराने स्टूडेंट ये मेथड उनको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी यहाँ क्वांटिटी टाइप कर दीजिए 4-piece है और यहाँ रेट डाल दीजिए 600 रुपये पर चेयर है, दोनों का यहाँ से गुणा कर देंगे इक्वल लगा के, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से, सिलेक्ट कर लेना आपको, ये निकल जाएगा बहुत इजी तरीके से। ये तरीका आप भी अपना सकते हो।
और अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो आप ये मेथड यूज करोगे तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन रहेगा। ये कर सकते हैं, हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं जो हम आपको एंटर करके दिखा रहे हैं। एक चीज़ हम आपको और दिखा दे रहे हैं, ये जो हमारा डेट पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, इस सेल में कुछ अजीब टाइप का लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे नंबर वाले ऑप्शंस में। यहाँ आप जैसे ही यहाँ कस्टम में जाएंगे, यहाँ आपको डे वाला टाइम, डेट मंथ वाला टाइम मिल जाएगा, यहाँ से हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये सेट हो चुका है। इसी तरीके से हम अदर एंट्रीज भी कर सकते हैं जिस डेट में हुआ है। मेरे पास कुछ एंट्रीज और हैं, हम वो करके आपको बता रहे हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा की फीडिंग थी जो मैंने फीड कर लिया है। अब आपसे अगर बोल दिया जाए कि पेमेंट वाउचर की जो है टोटल करके निकालो, रिसिप्ट वाउचर का जो है टोटल करके निकालो, तो इन सब का आपको टोटल करने में टाइम लगेगा। अब नॉर्मली आपको ये पता हो सकता है कि वन बाई वन करके आप ऐड करोगे, नहीं तो ये गलत तरीका है। यहाँ हम कुछ इस तरीके से सीखने वाले हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे जो है हम पेमेंट का एक फॉर्मेट बना लेंगे। दूसरा, यहाँ से जो हम आएंगे होम टैब में, यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से इंटायर कर लेंगे, इंटायर तरीके से इसको इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे यहाँ से, ताकि ये सेट हो जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, ये कुछ इस तरीके से है। और नहीं होगा तो इसको सीधे डायरेक्शंस में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। दूसरा हमारे पास रिसिप्ट का है, तो यहाँ से हम रिसिप्ट का कर ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे सबके सबको, और यहाँ से कर देंगे कलर, जो भी कलर हमें इसे देना है, थोड़ा सा ये अच्छा लगने लग जाए। यहाँ से मैंने इसे कलर्स दिया और यहाँ बॉर्डर्स में आके इस पर ऑल बॉर्डर्स दे दिया, ताकि ये थोड़ा सा दिखने लग जाए। अब करना क्या है हमें, इस पूरे को जो भी कलर्स देना है आपको कलर दे सकते हैं। यहाँ मैंने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दिया। अब हमें पेमेंट का, जितने पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स है उसका हमें टोटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, वन बाई वन करोगे? नहीं, ये तरीका गलत है। यहाँ हम लोगों को जल्दी की ज़रूरत होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे सम इफ, और लगाएंगे ब्रेकेट, उसके बाद में ये जो हमारा वाउचर्स है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, आपको किसका टोटल करना है, पेमेंट का, तो हम पेमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर से कॉमा लगा के ये अमाउंट वाला ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें जितने भी पेमेंट के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सब के सब आ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पेमेंट वाला जितना भी ट्रांजेक्शन्स है यहाँ पे आ गया। हम थोड़ा सा इसको बोल्ड करके दिखा दे रहे हैं आपको, शायद थोड़ा सा दिख ना रहा हो इसलिए हम जूम कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से। सेम हमें रिसिप्ट का निकालना है, रिसिप्ट का अगर होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। यहाँ इक्वल लगाएंगे, हम लिखेंगे सम इफ, सेम कंडीशन वही है, ब्रैकेट लगाएंगे, वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर कहीं नहीं है, तो हम रिसिप्ट वाउचर्स का तो कर ही नहीं सकते क्योंकि रिसिप्ट वाउचर्स है ही नहीं कहीं पे, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद में हमारे पास सेल्स का है, तो सेल्स का हम करेंगे, यहाँ इक्वल लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। हम सेल्स का कर रहे हैं तो सेल्स का कोई भी उठा लेंगे, फिर से कॉमा लगा के इस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल की तीन एंट्रियाँ हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये तीनों को जोड़ के यहाँ पे 9300 रुपये दे रहा है। अब हमें परचेज का देखना है, तो परचेज का हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, परचेज को उठाएंगे, फिर से कॉमा लगा के जितने भी अमाउंट्स हैं परचेज के उसको सिलेक्ट करके